हाय व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम बंधुरा बीडीआईसीटी एकेडमी थेके आमी सागर आज के षष्ठ श्रेणी तृतीय सप्ताह गणित असाइनमेंट निये आलोचना करब। तो बंधुरा तुम्हारा जरा आमार चैनल नतून आसो तारा अवश्य चैनल सबसक्राइब कर बेल बटने क्लिक कर रखो जाते परवर्ती असाइनमेंट तुम्हारा सवार आगे तुम्हारे नोटिफिकेशन आकार पे पो। तो बंधुरा देखी हमें षष्ठ श्रेणी प्रश्नटा कि बोलते। तो प्रश्न नहीं आगे आलोचना कर जगह तुम्हार सृजनशील देव आ एक दुई तीन जरकम तीनटा सृजनशील देव आज के तीनटा सृजनशील उत्तर नहीं आलोचना करब। आशा करी तुम्हारे सवार का असाइनमेंटर कपि तो तुम्हारा अवश्य ये उत्तर देवार समय असाइनमेंटर कपिटी तुम्हारे हाथे नहीं तुम्हारा उत्तरगुल्लो लिखब। तो चलो उत्तरे चले जाए क्यों आसले एगुलर नमूना प्रश्न उत्तर देवा जाए। तो बंधुरा देखो आप सर्वप्रथमे जी एक नम्बर सृजनशील उत्तर देव एक नम्बर सृजनशील तुम्हारे कि बसे लसगु करते बोलसे। तो देखो संख्या चार पंदो सरि बारो पंदो बीस पैंतीस ए लसगु निर्णय करो। तो लसगु करते आशा कर तुम्हारा लसगुटी क्यों कर बुझे दुई द्वारा भाग दी छय पंदो दस पैंतीस आर दुई द्वारा भाग दी तीन पंदो पाँच पैंतीस तीन द्वारा भाग दी एक पाँच पाँच पैंतीस पाँच द्वारा भाग दी एक 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 सत अत लसगु दुई गुण दुई गुण तीन गुण पाँच गुण सत समान समान चारशो बीस अतएव निर्णय लसागु चारशो बीस। बंधु आशा कर तुम्हारा एक नंगेर क नम्बर सृजनशील बुझते परस। एखंड ख नम्बर सृजनशील नहीं आलोचना करब। तो यह अवश्य तुम्हारे चैनल सबसक्राइब कर बेल बटने क्लिक कर रखो। तो देखो बंधुरा ख नम्बर प्रश्न ख नम्बर प्रश्न हमारे कि बसे ख नम्बर से कहते पाई उत्तर संख्यागुलर लसागु चारशो बीस पाँच अंकर क्षुद्रतम संख्या दस हज़ार अर्थात चारशो बीस दस हज़ार द्वारा भाग दिले प्रथम दुई बार जाए सातशो चल्लिस थाके तुम्हार छयशो छयशो एटा तुम तीन बार जाए से बारोशो षाट थाके तुम्हार तीनशो चल्लिस तीनशो चल्लिस एखन आमरा अतएव निर्णय क्षुद्रतम संख्या दस हज़ार प्लस चारशो बीस माइनस तीनशो चल्लिस तो दस हज़ार प्लस चारशो बीस गुणा तीनशो चल्लिस माइनस कर लेके आशी तो दस हज़ार प्लस आशी समान समान है दस हज़ार आशी अतए निर्णय क्षुद्रतम संख्या दस हज़ार आशी। बंधुरा आशा करी तुम्हारा ख नम्बर सृजनशीलता बुझते पर एन ग नम्बर सृजनशील नहीं आलोचना कर। देखो बंधुरा ग नम्बर सृजनशील कहते पाई ऊपर संख्यागुलो लसागु चारशो बीस चार अंकर बृहत्तम संख्या नय 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 मैं नय हज़ार नश निरानब्बे जो नय हज़ार नश निरानब्बे तुम चार द्वारा चारशो बीस द्वारा भाग देवा तक तेईस बार जाए अतए भागशेष था तीन सौ उनचल्लिस अतए निर्णय बृहत्तम संख्या नय हज़ार नश निरानब्बे माइनस तीन सौ उनचल्लिस प्लस दस अतए नय हज़ार छो साठ प्लस दस समान समान नय हज़ार छो सत्तर अतए बृहत्तम संख्या नय हज़ार छो सत्तर। तो बंधुरा देखो एक दुई नम्बर सृजनशील ने आलोचना करो कल सरल करते बसे। तो सरल देशे सात समस्त दुईर एक माइनस सतर चार एर आठर सत अतए ये समस्त बांगाले है दुईर पंदो माइनस सतर चार एर आठर सत तो चार द्वारा आठरे भाग कर लेके दुई एवं सात द्वारा सात द्वारा भाग कर ले एक सूतरा पंदो दुई माइनस एकर दर एक तो दुई और दर लसक कर ले दुई दुई दर मध्य एक बार जाए एक द्वारा पंदो गुण कर ले पंदो वियोग दुई दर मध्य एक बार जाए एक द्वारा एक वियोग कर ले एक अतः पंदो थे एक वियोग कर ले चौदह नीचे थके दुई दुई द्वारा चौदह काटाकाटी कर ले सत अतः सरल मान हो सत। बंधुरा आशा करी तुम्हारा सरलटी बुझते परस दुईर क नंग सृजनशील एन दर ख नंग सृजनशील नहीं आलोचना करब। देखो देवा से बाशटी रंग हलो कलो सात समस्त दर एक अंश लाल पाँच समस्त पचिशे चार अंश हलुद आठ समस्त दशर तीन अंश अतए बाशटी रंग हलो सात समस्त दर एक प्लस पाँच समस्त पचिशर चार प्लस दस समस्त आठ समस्त दशर तीन अंश जख तुम्हारा समस्त बांगाबा दर पंदो प्लस पचिसर एकशो उनतीस प्लस दशर तेराशी तो सबगुल्लो लसक कर लो पंचाश
दुई पंचाशेर मध्य जाए 25 बार, 25 द्वारा गुण कर ले, 25 द्वारा गुण कर ले 258 प्लस 10 पंचाशेर मध्य जाए 10 बार, 10 द्वारा 83 गुण कर ले 400 जाए 5 बार, 5 द्वारा 83 गुण कर ले 415 तक सबगुलो जोग कर ले 1048 नीचे थाके 50। तो अतए बासटीते 50-এর 554 অংশ রং করা হলো। বন্ধুরা এখন আমরা গ নাম্বার নিয়ে আলোচনা করি। খ তে পাই মোট রং করা হলো 25-এর 454 অংশ, অতএব রং করা বাকি রইল 35 বিয়োগ 25-এর 524 অংশ, যখন আমরা লসাগু করব এবং বিয়োগ করার পর থাকে 25-এর 351 অংশ, অতএব বাসটি রং করা 25-এর 351 অংশ বাকি রইল। এখন আমরা 3 নং সৃজনশীলের ক নাম্বার নিয়ে আলোচনা করি। উদ্দীপকে অনুপাত হল 2:3:2, সুতরাং 3:2কে ব্যস্ত অনুপাতে রূপান্তর করা হবে, অর্থাৎ সুতরাং 2:3। সোজা কথা, ব্যস্ত অনুপাত করলে অনুপাতটি কি হয়ে যাবে? সোজা বিপরীত, মানে উল্টায় যাবে। দেখো 3-এর খ নাম্বার প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করি। ধরি দ্বিতীয় কম্পিউটারের দাম x টাকা, প্রশ্ন মতে 55,000:x = 3:2, অতএব উপরে x এর 55,000 = 2:3। যখন আমরা আর আর গুণ করব তখন 3x = 55,000 × 2, অতএব x = 55,000 × 2, নিচে হয়েছে 3। কাটাকাটি করলে x = 36,667 টাকা, অতএব দ্বিতীয় কম্পিউটারের দাম x = 36,667.66 টাকা। বন্ধুরা এখন আমরা 3-এর গ নাম্বার নিয়ে আলোচনা করব। গ নাম্বার সৃজনশীলে কী বলছে? গ নাম্বারে বলছে দ্বিতীয় কম্পিউটারের দাম 2,000 টাকা বাড়লে, অতএব অতএব 36,667.66 + 2,000 = 38,666.66 টাকা, অতএব কম্পিউটার দুটির অনুপাত হবে = 55,000:36,667.66 টাকা, অতএব অনুপাত = 55,000:36,667.66 টাকা। বন্ধুরা আশা করি তোমরা অঙ্কটি বুঝতে পারছো। ধন্যবাদ সবাইকে। তোমরা অবশ্যই জানাও, সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনে ক্লিক করে রাখো। আসসালামু আলাইকুম।